अभीरा को आया अरमान पर प्यार। अभीरा और अरमान दिखे फिर एक दूसरे के साथ। जी हाँ, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आपको बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दो तो यहाँ पर अभीरा को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अरमान अपनी सारी कोशिश करते नजर आए और उन्होंने आखिर में कह दिया कि अभीरा को इनोसेंट प्रूफ नहीं करोगे तो मैं लॉ फर्म से रिजाइन कर दूंगा, जहां पर संजय को मजबूर होना पड़ता है और सारे मीडिया के सामने आकर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो कुछ भी हुआ अभीरा के साथ वो सब उनका कारनामा था। अभीरा बिल्कुल ही इनोसेंट है, जिसके बाद अभीरा इनोसेंट प्रूफ हो जाती है। और ये सारी चीजें जब अभीरा को रूही बताती है तो अभीरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है अरमान को लेकर। अरमान के पास भागी दौड़ी चली आती है अभीरा। अरमान भी अभीरा के पास ही जा रहे होते हैं उनसे ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। जहाँ पर अभीरा पहुंचती है अरमान के पास और अरमान से कहती है, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। अभीरा प्यार से अरमान को गले से लगा लेती है। यहाँ पर दोनों अपना प्यारा मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। फैंस को इनका ये प्यारा मोमेंट काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। जब वो दोनों अपना प्यारा मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि माधव को लग गई है गोली। वहां पहुंचते हैं अरमान और अभीरा। अरमान और अभीरा काफी ज्यादा टेंशन में भी नजर आते हैं क्योंकि माधव को लग चुकी होती है गोली। दोनों ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब यहाँ पर अभीरा अरमान के पिता माधव को ब्लड देती हुई भी नजर आएंगी। उनकी हेल्थ ठीक होती हुई भी नजर आने वाली है। वह आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं क्योंकि अब विद्या भी अभीरा को पोदार परिवार में वापस लेके जाएगी। वह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला एपिसोड। आपसे भी कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।